यारो आखिरकार दी केरला स्टोरी की सच्चाई सबके सामने आ ही गई। तो दोस्तों यूट्यूब पर द फेस्टिवल ऑफ भारत नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर इस फिल्म के डायरेक्टर जी का एक इंटरव्यू मौजूद है। इस इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि आपको ये केरला की 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा कहां से प्राप्त हुआ। तो इस पर डायरेक्टर जी कहते हैं कि साल 2010 में केरल के मौजूदा सीएम ओमन चांडी ने असेंबली के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इसके जरिए अगले 10 सालों का हिसाब लगा लें। दोस्तों अब अगर आप डायरेक्टर जी की पेश की गई इस कहानी के नजरिए से देखेंगे तो ये 32,000 का आंकड़ा ठीक ठाक है। मगर अब आपको बताते हैं कि असल में ओमन चांडी ने असेंबली में क्या कहा था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमन चांडी ने असेंबली में धर्म परिवर्तन से रिलेटेड बयान 2010 में नहीं बल्कि 2012 में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2006 से 2012 तक राज्य में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। दोस्तों इसके अलावा यहां पर एक बात और भी गौर करने वाली है, वो ये कि ओमन चांडी ने अपने बयान में लड़कियों के आईएसआईएस में भर्ती होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। खैर दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।